मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हालात को देखते हुए जैक की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। तो झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी सूचना में इसकी जानकारी दी गई। पूरे देश में CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई थी पहले ही, और इसके बाद झारखंड में भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे और अब इसे झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस बार कितने परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठने वाले थे, हालांकि अब ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और किन हालातों में इसे रद्द किया गया है। तो मैट्रिक की परीक्षा की बात करें तो 4,32,000 परीक्षार्थी इस बार शामिल होने वाले थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये परीक्षाएं जो हैं वो रद्द की गई हैं, जिनमें मैट्रिक में 4,32,000 परीक्षार्थी शामिल होते। वहीं इंटर में 3,31,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। रिजल्ट को लेकर जैक ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां भी कर ली थी। 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन का आधार जो है अब तय होगा कि आखिर क्या आधार हो। 10वीं के लिए 8वीं और 9वीं का अंक बन सकता है आधार, और 12वीं के लिए 10वीं और 11वीं के अंक को आधार माना जा सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट जुलाई के अंत में आने की संभावना है। वहीं इंटर का रिजल्ट अगस्त में जारी होने की संभावना जाहिर की जा रही है। CBSE और ICSE पहले ही अपनी परीक्षाओं को रद्द कर चुका है।